चाहिए राहुल बनाम अडानी। जिस तरह से संसद में हंगामेदार स्थितियां बनती रहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। संसद से लेकर सड़क तक सियासी पारा चढ़ा है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए, तो कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग करते हुए नारेबाजी की। इधर अडानी पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्य संसद से, मनोज झा क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सीधे ले चलते और सुनाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया, तो बता दें स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे देश जाकर जहां विदेशी ताकतों का आह्वान किया, उसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से हाल ही में दिए गए बयान पर निशाना भी साधा, ये कहा कि अपने बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने देश के संस्थाओं का अपमान किया, टुकड़े टुकड़े गैंग के वो साथ है। लंदन में राहुल ने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। ये भी कहा कि राहुल गांधी मोदी विरोधी में देश विरोधी हो गए हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आपने विदेश में ये कहा कि देश में उन्हें किसी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा है तो 2016 में दिल्ली में जब एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लग रहा था, तब आपने वहां जाकर इसका समर्थन किया, वो क्या था? तो बजट सत्र चल रहा है एक तरफ और हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आई हैं। एक तरफ कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, अड़ी हुई है बीजेपी, ये चाहती है कि राहुल गांधी सदन में माफी मांगे। वहीं कांग्रेस से कहती है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, आर पार की लड़ाई जो है वो देखी जा रही है। बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी है, तो वहीं विपक्ष जो है वो चाहता है कि माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बजट सत्र चल रहा है, सदन से सड़क तक हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो गई, एक तरफ राहुल गांधी ने जिस तरह से लंदन में कहा बीजेपी माफी मांगने पर अड़ी है, तो कांग्रेस से चाहती है कि माफी मांगने का तो प्रश्न नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बीच बीच बयान सामने आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग तक की बात उन्होंने कह दी, क्या कहेंगे आप? वे चाहते हैं संभवता की भारत के टुकड़े हो जाए, मैं संभवता बोल रहा हूँ, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी उन्होंने कहा है कि वो मानते हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जैसे यूरोपियन यूनियन है अलग अलग स्टेट को मिलाकर, वैसे ही भारत भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ, ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटेन निकल गया, हो सकता है कि ब्रेक्सिट भी हो जाए कभी, क्योंकि उसकी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो ये तो टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी जी भारत के, ऐसा मुझे लगता है उनके कथनों से। और जहां तक माफी की बात है और मना कर रहे हैं, तो बेशरम लोग माफी नहीं मांगते, माफी मांगने के लिए भी जिगरा चाहिए। या तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलत किया, ये एक पाप है और हमको पाप नहीं करना चाहिए था। पाप क्या है? आप विदेश में जाते हैं, आप विदेशी शक्तियों को भारत में डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन के लिए बुलाना चाहते हैं। क्या होता है डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन, हमने देखा है, हमने देखा है सर्बिया में कैसा हुआ था, हमने देखा है कि लीबिया में कैसा हुआ था, हमने देखा है कि सीरिया में किस प्रकार से हुआ था, मतलब बॉम्बिंग करना उस कंट्री के ऊपर, सत्ता परिवर्तन करना। तो आप विदेशी शक्तियों को भारत में क्या बॉम्बिंग करवाना चाहते हैं और उस कथन के लिए आप माफी भी नहीं मांगना चाहते, तो आप बेशरम हैं। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, और सब चीजों को अभी देखा जा रहा है, अगर ये माफी मांग लेते हैं, हालांकि माफी भी इस चीज की बख्शिश नहीं है, लेकिन फिर भी माफी मांगते हैं तो ठीक है, अन्यथा हो सकता है इनकी कार्रवाई हो। गुर्रे जी, एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भी वहां पहुंचे हुए थे और बिना नाम लिए उन्होंने ये भी कहा था कि 50 मिनट जो बोल रहा हो इंसान, और वो उसके बाद ये कहता है कि लंदन में कि हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में अगर वो नहीं बोले, खुद उपराष्ट्रपति कहते हुए नजर आए थे कि ऐसे मुद्दे पर अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं संविधान के उसके मैं गलत चला जाऊंगा, मैं मुझे बोलना जरूरी हो जाएगा ऐसे मामले में। धनखड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुला झूठ बोलते हैं,
और हमको चैलेंज कर रहे हैं ना कि जैसे राहुल गांधी सच बोल रहे हैं कि इनके माइक बंद कर दिए जाते हैं तो प्रूव करें, वो प्रूव नहीं कर सकते तो क्षमा याचना करें, दोनों चीजें नहीं कर रहे। इसको कहते हैं चोरी और सीधा चोरी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चोरी और सीना चोरी को अंजाम दे रहे, अच्छी बात नहीं है। देश भी देखता है साहब, दुनिया देखती है, हंसती है देश के ऊपर कि हिंदुस्तान में ये होता है। पता है इतना तो पाकिस्तान के राजनेता भी नहीं गिरते हुए दिखते, जो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनके देश में बैठ के बोलते हैं, तो विदेशों में जाके बदनाम कर रहा है भारत को। इतनी मोटी चमड़ी की हुई है कांग्रेस पार्टी की, उनको लज्जा भी बैठ खाई है। तो जी, तो गुलरेज जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए, और बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि माफी मांगना चाहिए, वही कांग्रेस अपनी बात पर अड़ा है कि माफी मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। गुलरेज जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बता दें राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया था, और ये कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। इसे लेकर अब लगातार सियासत जो है वो तेज है, घमासान जारी है, कौन किस पे भारी है फिलहाल आगे आने वाले समय में समझ पाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे दिल्ली से, हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से बात करें विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं कि जेपीसी की मांग कर रहा है, और ये क्या कुछ चल रहा है अभी, क्या अपडेट है, ताजा तस्वीरें क्या सामने आ रही है, क्योंकि लगातार संसद में हंगामेदार स्थितियां निर्मित हैं। तो स्पर्श से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आप वो सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी फॉर द स्टेट्स इन हिज ट्रेवल्स टू द यूनाइटेड किंगडम, दैट डेमोक्रेसी इज बीइंग ब्लोन टू स्मिदरिंग्स। हाउएवर दिस वेरी जेंटलमैन इन जम्मू ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा said all is well in India, which was a lie, Mr. Gandhi. Your statement in India or your statement in England? That Rahul Gandhi attacked not only the magnificence of the Indian Parliament, but also the supremacy of institutions such as the Supreme Court of India, the Election Commission of India is now known to every Indian citizen. तो बता दें घमासान जारी है, और कौन किस पे भारी, तस्वीरें देखिए सामने आई, संसद में हंगामेदार स्थितियां लगातार बनती नजर आई, उसके बाद सड़क तक की स्थितियां जो है वो बन गई। तो संसद से सड़क तक लगातार कांग्रेस जो है वो हंगामेदार स्थितियां निर्मित करती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया है, जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। रणनीति आप देख नहीं रहे क्या रणनीति है? अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी जी की बात आई जाए, चर्चा में ना आए। ये लक्ष्य उनका वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी, रशिया और चाइना जैसी वैसी आना चाहिए। स्पर्श शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्पर्श, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, और ये भी बताइए कि अभी क्या कुछ चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो तमाम विपक्षी दलों के सांसद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट से जो है ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ था, और विजय चौक तक जो है तमाम विपक्षी सांसदों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। और विपक्षी दलों के सांसदों का यह कहना था कि अडानी मसले को लेकर जेपीसी की मांग जो है होनी चाहिए, जो है पूरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्योंकि विपक्षी दलों अच्छी तरीके से संविधान के कारण इसलिए ईडी दफ्तर तक ये प्रोटेस्ट मार्च है वो विपक्षी सांसद जो है निकालना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो तमाम विपक्षी सांसद है उनको यहाँ पर अगर बात की जाए वीएचओ पर जो है
बैरिकेटिंग लगाकर जो है रोक दिया गया है। कई लेवल बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। और विपक्षी पार्टियों की एक ही मांग है कि आज जो संवैधानिक एजेंसियां है वो अडानी मसले पर भी जो है अपनी कार्रवाई जो है करती हुई नजर आए। जेपीसी जो है उसका जो गठन है वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मसले को लेकर होना चाहिए। बिल्कुल स्पर्श, इसके पहले भी वो तस्वीरें याद है हमें कि किस तरह से SBI ऑफिस का घिराव किया था कांग्रेस ने, LIC ऑफिस के बाहर भी इस तरह से प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सैकड़ों लाखों की संख्या में एकत्रित हो गए थे, पूरे देश भर में एक मुहिम सी छिड़ गई थी। उसके बाद क्या लग रहा है कि अब ये इस तरह से सफल हो पाएगा, एक बार फिर से क्यों छेड़ने की जरूरत पड़ी इस मामले को? देखिए इस मामले की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि जैसे ही संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होता है वहां पर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, राहुल गांधी के बयानों के मसले को देखते हुए। और वहां पर हमने देखते हैं कि राहुल गांधी के मसले पर जो विपक्ष है, बिल्कुल अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां और बनती। हालांकि ये तस्वीरें सामने आई है और संसद से सड़क तक हंगामेदार स्थितियां बनी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए।